हेलो गाइस, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो ये गेम है स्पिंटर, ये मैं फर्स्ट टाइम प्ले कर रहा हूँ, मतलब यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए। वैसे तो ये गेम मैंने बहुत बार खेल ली है। तो आज हम कुछ इसमें जो है ना फन करेंगे। पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें जो है ना मैंने लोडिंग का दिया हुआ है, लोडिंग कैसे करते हैं मैनुअल, ठीक है। तो उसमें मैंने कुछ ट्राई किया था इंग्लिश में, लेकिन उसमें कुछ मज़ा नहीं आया। इंग्लिश भी खास बोलनी नहीं आती थी, बस ट्राई किया था तो कुछ बन नहीं पाया। बस सोचा चलो तो उर्दू में हिंदी में शुरू करते हैं तो कुछ बन जाएगा। तो इस गेम के सबसे पहली जो बात है वो ये है कि इस गेम के चार जो है ना पॉइंट होते हैं जो आपने सिक्योर करने होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हर मैप में यही होता है। आप कोई भी मैप लगाओगे आपको उसमें जो है ना गाड़ी आपको मिलेगी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो उसमें चार चीज़ें होंगी। पहले नंबर पे आपने जो है ना गैराज को अनलॉक करना। जैसे ये गैराज लॉक है, एक ये भी लॉक है, ठीक है, और एक ये भी है, तीन गैराज में। और ये तीनों गैराज जो है ना लॉक हैं, तो इसको आपने खोलने के लिए यहाँ गैराज से जो है ना आपने, जैसे कि यहाँ पर अभी वो ट्रक अवेलेबल नहीं है, उस ट्रक पे जो है ना वो गैराज का एक ट्रेलर पीछे डाला जाता है, उस पर लेके जाया जाएगा। और दूसरा इसका पॉइंट ये है, ये जो आपने लिखा हुआ देख रहे हैं यहाँ पे क्लॉकिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने जब अपना कोई भी गाड़ी कोई भी ट्रक लेके जाएंगे तो ये जो है ना क्लियर हो जाएगा, यहाँ का पूरा आपको जो मैप है वो दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा तीसरे नंबर पर लंबर, यहाँ से लोडिंग होती है किसी भी, मतलब आप ट्रक जो ट्रेलर ले जाते हैं, लॉन्ग ट्रेलर स्मॉल ट्रेलर जो भी होगा उस पर यहाँ से लोडिंग होगी, डायरेक्टली लोडिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली लोडिंग नहीं करना चाहते तो आप जो है ना यहाँ से मैनुअली लोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा नंबर फोर पे आता है ये ऑब्जेक्ट, आपने लोडिंग करनी है। फर्स्ट नंबर पे आपने गैराज खोलना है, दूसरे नंबर पे आपने ये क्लॉकिंग दूर करनी है, तीसरे नंबर पे आपने ये जो है ना लोडिंग करनी है लंबर से, या खुद लोडिंग कर ले मैनुअल, और उसके बाद आपने जो है ना ऑब्जेक्ट पे आप आके अनलोड करना, ठीक है। इससे आपका ये जो है ना ये स्टेज क्लियर हो जाएगी। पर ये तो बहुत जो है ना टाइम वेस्ट करने वाली बात है, ठीक है मज़ा तो आएगा लेकिन जो है ना बहुत टाइम लगता है, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ खास मज़ा नहीं आएगा आपको। सो इसलिए मैं कुछ शॉर्टकट में वीडियोस बनाऊंगा, जैसे कि ट्रक को किसी डिफ़िकल्ट जगह पर लाके खड़ा करूंगा, जिससे जो है ना ज़्यादा मज़ा आएगा आपको देखने में और इंटरेस्टिंग भी होगी। ये गेम बेसिकली ऑफ रोड है, ठीक है। जो लोग ऑफ रोड ड्राइविंग करते हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझते होंगे, ठीक है। और ये काफ़ी मज़े की गेम है, मुझे तो काफ़ी पसंद है, वैसे और भी बहुत गेम खेलता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है इस एक ट्रक है, इसका वैसे तो मैंने नाम पर्सनली, इसका नाम आप बिलीव नहीं करोगे, इसका नाम मैंने लिखा हुआ है हुला, ठीक है। बाहर से बोला अंदर से 12 सिलेंडर का गोला, इसमें काफ़ी पावर है, ठीक है, मतलब काफ़ी पावर है। कोई भी गाड़ी फंसी हो कहीं भी दलदल में तो आप इसको इसके ज़रिए उसको जो है ना ईजिली निकाल सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। सो ये आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि अभी हम काफ़ी हाइट पर खड़े हैं, ठीक है, वो देखें डाउन में बहुत जो है ना, अभी तो हाइट पे खड़े हैं, बहुत डाउन नीचे है और ये रोड है, ठीक है। मैंने जो है ना ऑफ रोड वाले रोड चॉइस नहीं किया अभी, ठीक है। वैसे तो इस मैप में उन्होंने बेसिकली बताया है कि आप जो है ना यहाँ से लंबर लोडिंग करें, यहाँ से भी आ सकते हैं, काफ़ी रास्ते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ज़्यादातर मैप में 2 से 3 होते हैं, इसमें एक है, ठीक है। तो यहाँ से भी आ सकते हैं ईजिली, लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ी सी डिफिकल्ट इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे रोड है और रोड में बस टर्न करने की ज़्यादा मुश्किल होंगी अगर आपकी गाड़ी लंबी है, तो वैसे तो अदरवाइज बहुत इजी टर्न हो जाएगी गाड़ी। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे ट्राई करते हैं, मेरे पास डिफरेंट गाड़ी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये सिंपल ट्रक है, इस पर मैंने दोनों डिफरेंट तरह की जो है ना वो लोडिंग की हुई है, 2 ट्रेलर लगाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर मैंने जो लोड किया है वो एक प्लस लॉन्ग ट्रेलर की तरह है, बस बट थोड़ा स्मॉल है। और जो थर्ड नंबर पे है वो है सबसे लॉन्ग वाला, ठीक है। अब हमने इन तीनों गाड़ियों का जो है ना टेस्ट करना है, कौन सी गाड़ी इजीली जो है ना ऊपर जा सकती है। वैसे तो कोई भी जाएगी लेकिन थोड़ा सेफली में कौन कौन सी जाएगी ये थोड़ा देखना है। और मिस्टर होला जो आपको मैंने बताया, ये मेरा फेवरेट है, एक ट्रक नहीं कहा जाता इसको, कुछ पता नहीं क्या नाम कहते हैं, वो मुझे याद नहीं आ रहा इसका गेम में, नहीं वैसे रियल में इसको कुछ डिफरेंट नेम है। खैर शुरू करते हैं, ठीक है। अब ये गाड़ी स्टार्ट की मैंने और ये आल व्हील लगाया, और इसमें इसमें आपको पता ही होगा अगर आपने नहीं खेली तो आपको थोड़ा बताता चलूँ, इसमें ये फ्रंट व्हील का मतलब टोटल व्हील का लगाने के लिए आल व्हील लगाना पड़ता है, जिसको ऑन कर देंगे तो आपके आल व्हील 4 लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आप डीप लॉक कर देंगे तो वो एक साथ 2 और लगाएंगे,
आलवी सिंबल करने से आपका जो है ना कभी एक लगाएगा कभी नहीं लगाएगा, लेकिन लगाएंगे सब, लेकिन वन बाय वन लगाएंगे। और डी फ्लॉप ऑन करने से आपके जो है ना वो स्टील रिलीज जो है ना वो लगाएंगे, लगातार सेम राउंड करेंगे, ठीक है। और उसमें ये होगा कि आपकी गाड़ी जो है ना टर्निंग में कम मूवमेंट करेगी, जैसे कि यहाँ पर देखेगा मैंने डी फ्लॉप ऑफ कर दिया तो गाड़ी ईजीली जो है ना मूव कर रही है, लेकिन जब स्टक होती है तो आप देख रहे जैसे कि सिंपल कभी ये व्हील गार्ड लगा रहा है कभी ये लगा रहा है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, आप देख रहे हैं कभी वो लगा रहा है कभी वो लगा रहा है, एक साथ नहीं लगा रहे। अब मैं डी फ्लॉप ऑन करूँगा तो इससे जो है ना आप ये पूरे व्हील जो है ना एक साथ जो लगाएंगे सेम राउंड में, ठीक है। इससे आपकी गाड़ी जो है ना फंसने के चांसेस कम होते हैं, तो लिहाजा ये गाड़ी तो ईजीली ऊपर जा रही है पहाड़ी में, इसको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही क्योंकि इसकी जो है ना मूवमेंट बहुत बिल्कुल ईजी है, क्योंकि इसके पीछे ट्रेलर है छोटा सा इसलिए ईजीली लेफ्ट राइट मूव कर सकती है। और वैसे भी इसके ऊपर जो है ना इतना कोई खास लोड नहीं, नॉर्मली इसके मुताबिक है इसलिए जा सकती है। तो फाइनली मेरे ख्याल से एक ये टर्न है जो सबसे मुश्किल है, दोनों बाकी नॉर्मल थे। इन टर्न में जो है ना आपको बहुत मेरे ख्याल से इस गाड़ी को गुजारने में देखना होगा, अगर आप खेल रहे हैं तो आपको बड़ा अंदाज़ा लगता होगा कि हाँ ये थोड़ा मुश्किल है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में नाइट का टाइम हो रहा है, मुझे थोड़ा ना इसको डे में करना होगा। अगर आप किसी गाड़ी को यहाँ पे जैसे आपकी गाड़ी गैराज के बाहर खड़ी है वहाँ पे आप इस पर ऐसे टाइम आउट करेंगे तो आपका फ्यूल आउट होगा, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने कोशिश करनी है जो भी आपकी गाड़ी कोई गैराज में खड़ी है उसको आपने जैसे कि ये खड़ी है उसको आपने ऐसे करना है टाइम को स्किप करने के लिए, तो इससे ये होगा जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इसका फ्यूल फुल है। अगर इसका काम भी होगा तो आपकी गाड़ी गैराज में तो वो रीफिल कर देंगे उसको। ये देखें फ्यूल भी 20 लीटर जो है ना उन्होंने ले लिया, लेकिन फिर भी हमारा फ्यूल उतना ही क्योंकि गाड़ी गैराज में है। अगर आउटसाइड में होगी तो आपका जो फ्यूल है ना वो कट हो जाएगा और आपका फ्यूल कम रह जाएगा, तो उस गाड़ी का आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते दूर तक। तो लिहाजा ठीक है, डेटा मेरा भी थोड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। तो वही बात मेरी आवाज़ की, मुझे लग रहा है मेरा माइक ठीक नहीं है, एक दो दिन तक माइक देखूँगा अच्छा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अब ये गाड़ी तो इजीली ऊपर जा चुकी है आप देख रहे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। आप इसके गियर के लिहाज से भी मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो में बताऊँगा, इसमें थोड़ा काफ़ी जो है ना गियर के में काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी इसके जो है ना आपको फ़ायदे मिलेंगे इसको इस्तेमाल करने के तरीके से। तो लिहाजा रोड पर तो इसका कुछ इतना खास नहीं है गियर का डिसीजन लेने में, कोई भी गियर हो बस आपका आर व्हील और डी फ्लॉप का आपको देखना होगा। गाड़ी टर्न करने के टाइम में सिंपल आर व्हील होगा तो ईजिली मूव करेगी, और डी फ्लॉप जो है वो ऑफ रखना है। अगर आपने स्मॉल जगह में टर्न करना है तो आपकी गाड़ी जो है ना वो ईजिली मूव कर टर्न कर लेगी लेफ्ट साइड में, अगर आप आर व्हील रखोगे। डी फ्लॉप ऑन नहीं करना, और अगर आपने डी फ्लॉप ऑन करना है तो स्ट्रेट जो है ना होना चाहिए, जहाँ पर आपकी गाड़ी का बहुत जोर लगने वाला है वहाँ पर आपको होना चाहिए। खैर जैसा कि आपने देखा ये गाड़ी ईजिली ऊपर आ गई है, तो लिहाजा इसको जहाँ मैं यहाँ पर पार्क करता हूँ। अभी हम दूसरी गाड़ी को टेस्ट करते हैं, दूसरे नंबर पे है ये वाली येलो वाली गाड़ी है। तो ये आप देख रहे हैं इसको थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, लेकिन इस पर भी उतना ही लोड है लेकिन थोड़ा डिफरेंट पोजीशन में है। इसमें गाड़ी के बैक जो टू व्हील जो जोर लगा रहे हैं यहाँ भी इसका जो है ना ये काफ़ी वजन है, फ्रंट व्हील पर बहुत थोड़ा कम हो जाता है, खासतौर पर जब आप चढ़ाई के ऊपर चलने लगते हैं। तो लिहाजा ये गाड़ी भी मुझे जहाँ तक पता है ईजीली ऊपर चली गई क्योंकि इसका साइज भी इतना लंबा नहीं है। तो चले देखते हैं, अगर कुछ ब्लॉगों में तो आपके सामने होगा। तो मुझे तो खैर जहाँ तक याद है इस गेम में गाड़ियाँ भी मैप भी और काफ़ी चीज़ें इंस्टॉल करते हैं, मैंने काफ़ी टाइम पहले खेली थी, बहुत टाइम के बाद याद आया चलो यार पहले सिटी से आउटसाइड में रहते थे अब सिटी में आए हैं, इंटरनेट की सहूलत है तो थोड़ा सोचा वीडियो बना के अपलोड करते हैं और मज़ा भी आएगा खेलने का, टाइम पास भी हो जाएगा। तो लिहाजा आप देखते हैं ये बाइक गाड़ी जो है ये भी ईजिली काम कर रही है, उसमें भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इसका साइज इतना लंबा नहीं है, और ये भी तकरीबन पूरे भी जोर लगाने वाली गाड़ी है। इस तरह के रोड पर ज़्यादातर हमें मसला होता है जिनके फ्रंट व्हील जोर नहीं लगाते, उनको टर्न करने में बहुत मुश्किल होता है, उनके फ्रंट व्हील जो है ना वो थोड़ा सा आगे से उठने लगते हैं आपको में होने लगते हैं, और जिसकी वजह से गाड़ी स्पीड में जाना शुरू हो जाती है, सीधा जाना शुरू हो जाती है, लेफ्ट राइट में कम करती है। खैर इसके तो व्हील जोर लगा रहे हैं और ये ईजिली मूव कर रही है, इसमें कुछ इतनी दिक्कत नहीं हो रही, आपने देखा इसको ये गाड़ी ईजिली मूव कर रही है,
कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगी इसमें, कुछ बल्कि प्रॉब्लम थी नहीं यार, आप देख तो रहे हो। खैर वो छोड़ो, अब देखते हैं थर्ड नंबर वाली गाड़ी का ज़्यादा मसला होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। ये गाड़ी आप देख रहे हैं इजीली ऊपर जा रही है, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही। हाँ अगर आपने इस गेम में सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ अगर देखनी है तो यार इसमें मुश्किल क्या है, इसमें मुश्किल क्या है, तो वो आपको इस गेम में कोई भी आप ऐप लगा दो तो उसको आपको मैं दिखाऊंगा, एक ऑप्शन होगी वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा उसको, तो उसमें आप देखेंगे ऑप्शन होगी वहाँ उसको हार्ड करके खेलेंगे तो आपकी जो जो ट्रक के जो व्हील होती पावर की होती ना वो रूल होंगे वो थोड़े चेंज हो जाएंगे। आप गाड़ी को किसी भी जगह पे इजीली उसका जो ना आर व्हील यूज़ नहीं कर सकते और ना ही उसको इस तरह के हाई पावर में जो ना गियर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे गाड़ी भी इजीली ऊपर आ गई है, ठीक है। जैसा कि आपने देखा मैंने इस मैप पे जो है ना गाड़ी भी अनलॉक की हुई है, गैराज भी अनलॉक किया हुआ है, यहाँ पे एक गैराज भी अनलॉक किया हुआ है और मैंने यहाँ से लंबर से जो है ना ये सारे गाड़ियाँ लोडिंग की हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पहुँचानी है। सो रास्ता तो यहाँ से भी बनता था लेकिन मैं यहाँ से नहीं लेके आया, मैंने कहा चलो यहाँ से देखने में कुछ मज़ा आएगा, रोड आएगा, तो चलें हम ये लास्ट वाला ट्रक ट्राई करते हैं। उम्मीद है इसमें कुछ मज़ा आएगा करने में, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है तो टर्निंग में ज़रूर कहीं ना कहीं इसमें जो है ना दिक्कत होगी। इस गेम में तभी आपको मज़ा आएगा जब आपको इसमें कोई ना कोई डिफ़िकल्टी मिलेगी, मुश्किल करने को मिलेगा, अगर आसान करने को मिलेगा तो इतना आपको मज़ा नहीं आएगा इस गेम में। जैसे कि ऑफ रोड में आप कहीं जाएंगे दलदल में गाड़ी फंसती है, उसको निकालना कैसे है, या किसी दलदल की जगह पर या पहाड़ी की जगह पर गाड़ी आपकी जो है ना उलट जाती है, क्रैश हो जाती है, उसको सीधा कैसे करना है या कुछ इसमें फ़न करना हो तो उसके बारे में मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा आने वाले वीडियो में। काफ़ी वीडियोस में जो ना सोची है इस गेम का बनाने के, और भी काफ़ी गेम्स खेलता हूँ लेकिन अभी तो ये स्टार्ट किया है। अगर आप थोड़े कमेंट में बताएंगे तो देखूंगा, अगर मेरे पास अवेलेबल होगी तो मैं करूँगा। वैसे भी जो जो गेम है ये गेम मतलब अभी मैंने ये किसी मतलब ऑनलाइन साइट पर परचेज नहीं की, ये सिंपल मैंने जस्ट फ्री डाउनलोड की है और ये मैं खेल रहा हूँ। खैर जैसे अच्छा वो बातें बाद में करेंगे, अभी मेरे ख्याल में गाड़ी जो है ना ऊपर नहीं जा रही है, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है गाड़ी में, आप देख रहे हैं गाड़ी का आल व्हील लगाया है, आल व्हील लगाने से लेकिन गाड़ी का जो है ना पोजीशन आउट हो रहा है, गाड़ी बिल्कुल स्टेबल पोजीशन में आ रही है, हमें कुछ और ट्राई करना होगा, जैसे कि मुझे गाड़ी को थोड़ा सीधा करना होगा। वैसे हम टर्न कर सकते हैं लेकिन क्या है कि वो थोड़ा आउट ऑफ रोड में चला जाएगा, रियल लाइफ में ऐसा बहुत काम होता है, आप नहीं कर सकते अगर रियल लाइफ में होगा। ये देखते हैं ना, आप बैक साइड में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, गाड़ी डाउन में जा रही है, कुछ करना होगा हमें, नहीं तो ये गाड़ी जो है ना यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से स्टक हो जाएगी और यहाँ से वो कभी भी नहीं निकल पाएगी, उसके लिए मैं मजबूर हूँ ऊपर से किसी गाड़ी को हेल्प के लिए लाना होगा। खैर ये गाड़ी तो बहुत मुश्किल है, मैंने इसके व्हील खुद चेंज किए थे कि शायद इसमें जो है ना रोड पे है और व्हील अच्छे तरीके से जोर लगाएंगे लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। अभी गाड़ी बिल्कुल ख़तरनाक पोजीशन पर है, अभी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मुझे हेल्प लेनी होगी इससे। ये इसका जो है ना वेंच का होता है, इसका आप क्वेश्चन डाल सकते हैं किसी भी दरख्त से या किसी गाड़ी से, अगर आपने हेल्प लेनी है जो आपकी नज़दीक की होगी उसको आप डाल सकते हैं। ज़्यादातर तो दरख्त और गाड़ी नहीं होता, इसके अलावा जिसमें कुछ भी नहीं है किसी जिससे आप हेल्प ले सकें। खैर अभी देखता हूँ इस गाड़ी को थोड़ा सीधा करने की कोशिश करते हैं, असल में अभी पूरा का पूरा वजन यहाँ पे आया हुआ है जिसकी वजह से गाड़ी लेफ्ट राइट में मूव नहीं कर पा रही। अरे यार ये तो गलत हो गया, गाड़ी का मूव वापस की तरफ हो रहा है, गाड़ी वापस की तरफ इजीली जा सकती है लेकिन हमें तो आगे की तरफ जाना है। मेरे ख्याल से हमें दोबारा एक ट्राई करनी चाहिए, यहाँ आगे से घुमा लाएंगे गाड़ी को, अभी जो है ना गाड़ी को वापस ले वहाँ से जो है ना गाड़ी इजीली घूम जाएगी क्योंकि यहाँ पर बहुत ख़तरनाक हो गया था। अब भाई देखो 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 रुको, हाँ ठीक है, तो अभी जो है ना हम इसको दोबारा टर्न करके ले जाएंगे, थोड़ा स्लो में देखेंगे क्या बेटर पोजीशन है, नहीं तो फिर हमें किसी की हेल्प लेनी होगी, ख़ास तौर पर होला की, लेकिन होला की हेल्प ज़्यादातर हमें वहाँ पर कामयाब होती है जहाँ पर हम लोग ऑफ रोड में हों, रोड पर जगह पर तो उसका साइज़ इतना बड़ा, उसको टर्निंग में और मूवमेंट में बड़ा मसला होता है तो इसलिए उसको इतना बिना रोड पे मटा नहीं आता उसको हेल्प के लिए बुलाने में, उसकी खुद की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाती हैं मूवमेंट करने में, उसके ज़ोर लगाने के तरीकेकार से, और उसका जो है ना वेट जो है ना वो वहाँ पे रोड पे अच्छी तरह से जो है ना जोर नहीं लगा पाता क्योंकि उसके टायर जो है ना टोटली
रोड वाले हैं, रोड पर अच्छी तरह से ग्रिप नहीं कर पाते। अच्छा अभी हमने गाड़ी को जो है घुमा लिया, अभी फिर से ट्राई करते हैं। उम्मीद है इस बार पहला वाला टर्न हम लोग क्रॉस कर लेंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम दूसरे टर्न पर आने वाली है, पहले वाले टर्न पर हम लोग इस बार नहीं जा पाए, लेकिन इस बार उम्मीद है कि कर पाएंगे। पहले मैंने थोड़ा अच्छे तरह से जो है तो थोड़ा नोट नहीं किया, बस जमीन से गुजार नहीं किया, इस बार थोड़ा देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। जो लोग ऑफ रोड गेम पसंद करते हैं उनमें से काफ़ी बेस्ट में गेमों में से ये गेम है, ठीक है। खैर पहले भी ऑनलाइन में थी लेकिन मैंने बाय नहीं की थी, अभी भी ऑनलाइन भी अवेलेबल है लेकिन अभी काफ़ी प्राइस कम हो गई हुई है। पर मैं थोड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ इस बार जो समर सेल लगने वाली है, मतलब न्यू ईयर की सेल लगने वाली है खासतौर पर स्टीम पर, तो मैंने वहाँ पर बाय करनी है, तो फिर उम्मीद है वहाँ पर आपको मुझे वीडियोस वगैरह दिखाऊँगा। अच्छा अभी गाड़ी की फिर वही पोजिशन आ गई है, लेकिन इस बार थोड़ी बेटर है, मुझे थोड़ा सोचना होगा। बस 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 मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं होती है, आर व्हील लगाने से गाड़ी आपकी जो है ना ज़्यादा फॉरवर्ड में जाएगी, लेफ्ट राइट में मूवमेंट कम करेगी, आप देख रहे हैं। अभी बेटर हो रहा है, हो जाए हो गया। ये तो ट्रक ऊपर आ गया, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में देखेंगे तो आपकी गाड़ी बिल्कुल रॉन्ग है इस तरह, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके साथ टकराएगा, अगर रियल लाइफ में होगा तो यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे होते हैं वो हवा के पाइप होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं वो बोस्टर लगे होते हैं, वो आपकी टूट जाएंगे और आपकी बाइक जो है ना वो जाम हो जाएगी। लेकिन ये तो खैर गेम है, इसमें चलता है, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें आपकी सिर्फ ट्रक की प्रॉब्लम होती है, ट्रक की कोई डैमेज नहीं होती है। तो जैसे कि आपने देखा मैंने पहला कर लिया, और उम्मीद है ट्रक ऊपर ले जा पाऊँगा। अब इस मोड़ पर मुझे पहले से ही कुछ आइडियाज़ लेने होंगे, जैसे कि मुझे थोड़ा यहाँ पे राइट पे रखना होगा इस जगह पे, ताकि ट्रक की जो है ना लेफ्ट साइड में मूवमेंट थोड़ी बेटर पोजीशन में आ सके। तो अभी जो है ना मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा राइट में रखने की, ज़्यादा करूँगा तो ट्रक नीचे जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ जो है ना स्लीपिंग टाइप भी है, क्योंकि बस मैंने टायर भी दूसरे डाले हुए हैं, रोड वाले ये ज़्यादातर इस तरह के टाइम पर स्किप हो जाते हैं। अच्छा अभी जो है ना थोड़ा ट्राई करते हैं, जब आपको लगेगा आपकी गाड़ी का टाइम है लेफ्ट फुल लेफ्ट करने का, तब आपने ऑल व्हील करना है और आपने इसको मूवमेंट में घुमा देना है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है गाड़ी के लिए, क्योंकि गाड़ी पे लोड की इतनी प्रॉब्लम है, जिसमें उसकी लंबाई की है, गाड़ी लंबी बहुत है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। चलो चलो चलो, रियल लाइफ में इस तरह का बहुत कम होता है गाड़ी के साथ, मतलब इस तरह गाड़ी का टर्न करना रियल लाइफ में बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम तरीके से वो कर पाती है। रियल लाइफ में कोई ना कोई चीज़ टूटने का खतरा होता है, जिस तरह की गाड़ी मूव कर रहे हैं बहुत जो है ना वो डेंजर हो जाता है, ख़ासतौर पर आपके बैक साइड जो ट्रेलर के व्हील होते हैं यहाँ पे कोई ना कोई डैमेज होने का चांस होता है, क्योंकि आपके व्हील जो है ना बिल्कुल लेफ्ट साइड में जो है ना रगड़ के जैसे टर्न करते हैं इस टर्न करते हैं, आगे वाले तो लेफ्ट साइड में मूव करते हैं इसलिए वो इजीली टर्न कर लेते हैं। तो खैर ये गाड़ी भी आपने देखा ऊपर आ गई है, तो ये यहाँ पर ये टर्न तो काफ़ी ईजी है, पर थोड़ा सा लगेगा। हो गया। ये आपने देखा ये बड़ा बिल्कुल ईजी था, क्योंकि इसमें थोड़ी यहाँ पे स्पेस थी इसलिए इजीली टर्न हो गया। तो ये गाड़ी भी ऊपर आ गई है, पर थोड़ा सा मुश्किल लगा था लेकिन आ गई है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा, ये थोड़ा सा किया था इन गाड़ी का एक्सपेरिमेंट। तो अब मैं इनको वहाँ पर एक जगह पर पहुँचाऊँगा और ये जो है ये वाली स्टेज जो है वो कम्प्लीट हो जाएगी। जी हिल नाम है मेरे ख्याल में, यहाँ सिंपल हिल नाम है। तो वहाँ पे टोटल चाहिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पर लिखा हुआ है आपको जो है ना 8 जो है ना वो वहाँ जहाँ पे अनलोडिंग करनी है डिलीवरी जो आप जो लोडिंग किया हुआ है। तो ये जो बड़ा साइज़ है ये 6 का होता है, 6 नंबर का होता है, और जो सेकंड वाले ट्रक है वो 4 नंबर का है, चाहे इस पोजिशन में हो चाहे वो बैक वाला ट्रक ही उस पोजिशन में जो आपको मैंने पहले दिखाया ये पोजीशन हो ये से पोजीशन में हो, लेकिन ये 4 पॉइंट काउंट किए जाएंगे आपके।
तो लिहाजा मैं एक दोनों ट्रेलों को ले लेता हूँ, तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 10 हो जाएंगे, 4 6, तो मैं इन दोनों को ले लेता हूँ एक ही टाइम में ताकि टाइम बच सके, तो ये स्टेज जो है ना वो कम्प्लीट हो जाएगी। तो लिहाजा मैं यहाँ पे गियर नहीं लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे रोड है, गाड़ी इजीली मूवमेंट कर लेगी। जब आपने सीधे रोड पे चलना हो और आपके पास फ्यूल कम हो तो आपने कोशिश करनी है आपका डीजल ऑफ होना चाहिए और आपको नॉर्मल गियर काम करना चाहिए ताकि आपका फ्यूल कम से कम बच सके। आज ही के लगाने से इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आप लगाओ ना लगाओ इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे सेम फ्यूल का जमा हो जाएगा। तो अभी जो है थोड़ा जाएंगे और जब तक वहाँ पर चलना करेंगे डिलीवरी करने के बाद ये पूरा का पूरा मैच जो है ना मैप किया वो कम्प्लीट हो जाएगा। आप देख रहे हैं दोनों ट्रक एक साथ लेके जा रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल होता है देखना आगे पीछे कवर करना होता है, पीछे वाला ट्रक कहीं लग ना जाए और या आगे वाला ट्रक कहीं लग ना जाए या इनका बैलेंस आउट ना हो जाए। बैलेंस आउट होने की जरूरत में पीछे वाला ट्रक किसी लेफ्ट साइड राइट में गेयर लगाएगा तो आगे वाला ट्रक का भी बैलेंस आउट हो जाएगा, जिससे आपकी गाड़ी का जो है ये लोडिंग जो है गिर सकता है मुझे और आगे पीछे दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर गाड़ी लागे उनको लोड करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जो है ये वापस गाँव में जाना पड़ेगा धीरे धीरे। लेकिन उसको छोड़े मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके हम लोग इसमें मज़ा करेंगे, गाड़ी के ऊपर कुछ डिफरेंट तरह की चीज़ें लोड करेंगे। ये तो इनके खुद का गेम का बनाया हुआ तरीकाकार है कि इस तरह की आपने जो है ना लोड करनी है और अनलोड करनी है गराज वगैरह वगैरह, लेकिन मैं इनमें कुछ डिफरेंट करूँगा, कोशिश करूँगा इनमें कुछ मज़ा करने के लिए, कुछ फन करने के लिए जो आपको अच्छा लगे। अगर आप इसके अलावा आपके पास मूवी आइडियाज हैं तो आप इनको कमेंट में बता सकते हैं। ये मैंने न्यू चैलेंज स्टार्ट किया है, मेरा पहला चैनल है फर्स्ट चैनल है, तो तारीख का तो सोचा तो लोग यही काम शुरू करते हैं, वैसे भी गेम खेलता हूँ तो लोग इसी बहाने थोड़ा वीडियो भी बना लेंगे, थोड़ा जो है टाइम पास भी हो जाएगा। अभी आपने देखा सामने एक जट आ गया, इसको मैं छोड़ देता हूँ और यहाँ पे इसको जो है ना अनलोड करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर अब जैक पर आए 8 हैं, ठीक है। अब इसको अनलोड करूँगा, आप देख सकते हैं ये 6 काउंट होगा, अब इनका ये 6 हो गया है और अभी इसको 2 और चाहिए, ठीक है। ये अनलोड हो गया, अब इसको हम लोग जो है ना इजीली कहीं और पार कर सकते हैं, इसको ऊपर रख लेंगे तो आपका इजी हो जाएगा, आपकी गाड़ी जो है ना कहीं स्टक जल्दी नहीं होगी, यहाँ टर्निंग में आपको इजीली मिलेगी क्योंकि बाज़ का जो है ना आपका रोड में बहुत छोटा सा स्मॉल सा टर्न आता है, वहाँ पे लेंथ काम नहीं देती, तो इसलिए आपको इसको उठा कर भी टर्न कर सकते हैं। अभी हम सेकंड वाला ट्रक जो है ना वहाँ पे डिलीवर करेंगे और ये जो मैप है ये कम्प्लीट हो जाएगा। और जो है ये देखो भी हम करते हैं इसको, ये यहाँ पे आया और ये 4 काउंट होगा, आप देख सकते हैं इसको, आप देखें ये अनलोड किया और ये मैप कम्प्लीट हो गया। इसलिए इसको मैंने जो है ना थोड़ा कम्प्लीट कर दिया, इसको कम्प्लीट आज दे दिया, सो ये मैप कम्प्लीट हो गया, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, गैराज अनलॉक किया, गाड़ियों को अनलॉक किया, अभी भी एक दो गाड़ियाँ बीच में हैं उनको मैं यूज़ नहीं किया क्योंकि ये गाड़ियाँ ईजिली यूज़ कर सकते हैं, उनमें से उन गाड़ियों में से एक गाड़ी ये है, लेकिन ये गाड़ी आपको सिंपली रोड पर आपको थोड़ा काम दे सकती है अगर आप इसमें काम लेना चाहते हैं। ज़्यादातर ये गाड़ी आपको बेस्ट चॉइस आपकी ये होगी अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको जो है ना ये वाला ट्रक जो है ना ये जो आपको इसका नाम मैंने बताया होला रखा हुआ है, तो ये गाड़ी जो है ना जब आप इस्तेमाल करते हैं जब जैसे कि आपने इसको यहाँ से कहीं यहाँ पे लेके जाना है दूर, तो ये फ्यूल बहुत ज़्यादा जो है ना वो खाता है, डीजल बहुत ज़्यादा खाता है, तो इसका वहाँ पहुँचने में डीजल जो है ना या तो हाफ से ज़्यादा कम हो गया होगा या ख़त्म हो गया होगा, तो इसके साथ आप जो है ना उस ट्रक को अटैच कर लेंगे, इसके ऊपर आप जस्ट ये टैंक लोड कर लें, इसके अंदर फ्यूल होना चाहिए, ठीक है। और आपने इसको स्टार्ट करें ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इसको इजीली जो है ना खींचता हुआ लेके जाएगा, कहीं भी लेके जाना हो, उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आपके इस ट्रक का फ्यूल ख़त्म होगा तो आप उससे जो है ना इसको रीफिल करके अपनी जो गाड़ी फंसी होगी उसको निकाल सकते हैं, और बाद में जहाँ कहीं भी लेके जाना हो आप उसको ईजीली उसके साथ अपने उसको अटैच करके लेके जा सकते हैं, इससे आपको ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा उस छोटी सी गाड़ी का। सो तो अब आपको जो है ना मैं थोड़ा सा बताने वाला था उसके बारे में, गियर के बारे में बताने वाला था,
अभी आपको मैं एक छोटा सा यहाँ पे डेमो दूंगा, ये ट्रेनिंग सेंटर है इनका, यहाँ पे आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ट्रक चेंज करता हूँ, जैसे कि कोई डिफरेंट ट्रक लेते हैं, जैसे कि थोड़ा इजीली लेता हूँ जिससे आपको इजीली पता चल सके। यहाँ पे था ये, ठीक रहेगा ये वाला। तो अभी हम इसको देखते हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप गेम को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, चलाना नहीं आता, कुछ गाड़ी की प्रॉब्लम होती है, कैसे ड्राइव करनी है क्या है, तो आप इसका जो है ना ये प्ले ग्राउंड जो है ना प्ले करें, यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ इजीली मिल सकती है कहीं पर भी। तो अभी मैं यहाँ पे इसके ऊपर कुछ लोड करूँगा, तो उससे जो है ना आपको थोड़ा सा गियर के बारे में थोड़ा सा डैमेज होगा कि गियर की क्या कंडीशन होती है। पहले नंबर पर मैं इसको कुछ लोड करूँगा, जैसे कि ये लोड कर देते हैं इसके ऊपर, ये लोड हो गया ठीक है। अभी आपको इसका एक छोटा सा मैं डेमो दूंगा, ये जो लेफ्ट साइड में ये जो गियर लीवर है, इससे क्या फ़ायदा है। अगर आपके सामने इस तरह का छोटी सी दलदल है सामने, आपको पता है उसके बाद आपको मतलब बैटर मिल रहा है, सॉरी बैटर कह रहा हूँ, मतलब यहाँ पे ये जो बताने वाला था वो स्लो गियर के बारे में बताने वाला था, वो जो फास्ट वाला वो आपने कहीं और यूज़ करना है। सिंपल अभी गाड़ी जा रही है और अभी आप देख रही हैं स्टार्ट हो गई है, सिंपल आप जोर लगाए जा रहे हो गाड़ी आपकी स्टार्ट हो रही है, बहुत मुश्किल से निकल रही है क्योंकि अभी ये छोटी सी जगह ज़्यादा बड़ी नहीं है। सिंपल ना तो आर वी लोना है और ना ही जीप का लोन है, और आपकी गाड़ी जो है ना वो फंसने की कोशिश कर रही है और ये आप देख रहे हैं फंस गई है तकरीबन ठीक है। अभी इस साइड के दो भी जोर लगा रहे हैं, इस साइड के भी दोनों जोर नहीं लगा रहे ठीक है, डी फ्लो कौन नहीं है। अगर आप डी फ्लो कौन करेंगे, सिंपल डी फ्लो कौन किया, आपके ये भी जोर लगाएंगे और वो भी लगाएंगे, तो गाड़ी अच्छा सा जो है ना मूव कर लेती है। अगर आप ये डिफ्लो ऑफ़ कर देते हो और आप ऑन आर भी ऑन करेंगे तो आपके फ्रंट भी जो लगाएंगे, लेकिन वो भी सेम कंडीशन में लगाएंगे जैसे कि उस साइड का लगा रहा है, ये नहीं लगा रहा, ये दोनों लगा रहे हैं उस साइड का नहीं लगा रहे, एक टाइम में एक एक्सल का एक ही व्हील जो लगाएगा, चाहे वो बैक हो चाहे फ्रंट हो, वो सिर्फ आर व्हील की पोजिशन में वो भी अगर आपने ऑन किया होगा। और अगर आप डिफ्लो ऑन करेंगे तो आपकी गाड़ी ईजिली बाहर आ जाएगी, आप देखते हैं कितनी इजीली बाहर आ रही है। तो अगर आप जब देखते हैं तो आपकी गाड़ी मजबूत जो है ना स्टक हो गई है, आर व्हील लगाने पर भी नहीं निकल रही, तो उसके बारे में आपको एक छोटा सा डेमो दूंगा कि हमें गियर के क्या फ़ायदे हैं। वैसे तो जब आपने देखना है नॉर्मली आप एस एस खुले रोड में है, तो आपने इसको यहाँ पर ओपन ही रखना है, इस गियर को आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसको यहाँ पर रखना है, तो आपकी गाड़ी जो है ना गियर आगे नेक्स्ट नेक्स्ट गियर जाना करती जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे मैं इस गाड़ी को थोड़ा सा फंसाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा स्टक हो जाए, और आपको थोड़ा सा डैमेज बता सकूँ गियर के बारे में। तो इसके काफ़ी फ़ायदे हैं, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, मैंने चलाई हुई गाड़ी, ये गाड़ी आप इसे खड़ी करके इस तरह नहीं लगा सकते, इसका ये पावर नहीं काम करता यहाँ पर खड़ी गाड़ी पर, कम अज़ कम गाड़ी थोड़ा कम अज़ कम मिनिमम जो है ना दूसरे गियर में चलती हो तो आप इसको फौरन इस तरह कर सकते हैं, जिससे ये होगा आपकी गाड़ी जो है ना स्टिल रेस में रहेगी, व्हील जो है ना लगातार जोर लगाते रहेंगे, वो ज़्यादातर आपको चढ़ाई पे काम देगी ये चीज़। जैसे कि आपको बताता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ आपको जिस बताने के लिए, जैसे कि हमारे सामने एक थोड़ी सी चढ़ाई आई है वो आप देख रहे हैं, अगर चढ़ाई पे चढ़ना है, अगर आपने ये गियर लगाया हुआ है तो आपकी गाड़ी ये चढ़ाई ईजीली क्रॉस कर लेगी, क्योंकि इस वक्त गाड़ी जो है ना पावर में है और स्टिल जो है ना गाड़ी जोर लगाते जाएगी चाहे कुछ भी हो, जब तक उसके व्हील जाम नहीं होंगे तब तक वो जोर लगाती रहेगी, चाहे उससे गोबर कीचड़ जो भी है वो जोर लगाएगी। आप देखें हैं इस पोजिशन में गाड़ी आपकी इजीली जो है ना क्रॉस कर सकती है, इस तरह की चढ़ाई, क्योंकि तो यहाँ पे दलदल कम और तकरीबन फिर भी ठीक है, काफ़ी अलग ठीक है इस रोड की, लेकिन ईजीली चल सकती है, लेकिन ये मुझे लग रहा नहीं चढ़ेगी क्योंकि वजन की प्रॉब्लम आ रही है। नॉर्मल गेम में अगर आप इस तरह लगाते हैं तो इस तरह में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, गाड़ी सही से नहीं जा पा रही। यहाँ पे इस पोजीशन में आपने क्या करना है, आपकी गाड़ी जब नहीं चढ़ेगी आपने इस गियर को यहाँ पे लाना है, और अगर आप वन पे करेंगे तो आपकी गाड़ी बिल्कुल ज़्यादा दलदल में फंसी होगी, तो आपको बहुत फ़ायदा देगी, बिल्कुल स्लो स्लो निकलेगी, निकलेगी ज़रूर। और अगर आप सेकंड पे रखेंगे तो इस तरह की चढ़ाई पर काफ़ी काम देगी, इस पर रखेंगे तो आपकी गाड़ी फुल पे जो है ना वो ये होगा कि आपको जब पता होगा थोड़ी दलदल आ रही थोड़ी नहीं आ रही, कभी आ रही कभी आ रही, तो आपने इस पोजीशन पर रखनी है, आपकी गाड़ी ईजिली जाएगी। अभी मैं इस पे रख रहा हूँ सेकंड वाले पे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा
स्लो में जाना चाहिए। तो ये आप देखते हैं गाड़ी आपकी स्लो में मूव कर रही है और गाड़ी आपकी जो ना ईजिली जो ना निकल रही है, उसकी वजह ये है टायर जो है वो स्लो स्लो मूवमेंट कर रहे हैं और जो ज़मीन को है वो अच्छी तरह से ग्रिप कर रहे हैं, जिससे आपकी गाड़ी जो है ना बेटर पोजिशन में ऊपर जा रही है। लेकिन इससे ये होगा कि अगर आपकी गाड़ी का टोटल वेट बैक साइड में आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कढ़ाई पे तो पूरा का पूरा वेट बैक साइड भी आ रहा है, लेकिन आपकी गाड़ी का अगर फ्रंट वाले व्हीलों पर वजन नहीं है तो वो ग्रिप नहीं कर पा रही। तो मेरे ख्याल से मुझे जो ना थोड़ा डिफरेंट आइडिया लेना पड़ेगा। चढ़ेगी उसी गियर के साथ जो मैंने आपको सबसे पहले लगाया था बताया था उससे, लेकिन जो इस वक्त पोजिशन है वो ये है कि गाड़ी को थोड़ा सा ना नीचे से ज़मीन को ग्रिप करने के लिए थोड़ा टायर घुमाने पड़ेंगे ताकि वो ग्रिप हो सके। आप देख रहे हैं कल के लिए गाड़ी मूव कर रही है, लेकिन उसको ज़्यादा करने के लिए मैंने ग्रिप लगा दिया है। जब जहाँ थोड़ा सा टायर नीचे की तरफ जाना शुरू होंगे तो समझ लेना कि आपकी गाड़ी ऊपर जाना शुरू हो गई है। अभी ये बिल्कुल क्लीन रोड पड़ा है, ऑफ रोड है, इस पर इसको ग्रिप करने में मुश्किल हो रही है। ये देखें अभी थोड़ा जैसे इसमें खड्डा सा निकाला और वो जो है ग्रिप करना शुरू कर देते हैं। इस गियर का ज़्यादा से ज़्यादा यही आपको बेनिफिट मिल सकता है ऑफ रोड में। आने वाली मुझे वीडियो में मैं आपको थोड़ा बहुत डेमो देता रहूँगा, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है, यहाँ पे ये गाड़ी नहीं डीजल कर पा रही क्योंकि ये थोड़ा जैसे खड्डा निकाल दी तब इसको ऊपर में लेके जाती है, जब खड्डा नहीं निकालती तो नहीं जाती है। ये ज़्यादा दंदर वाली जहाँ पर काम दे रहा आपको, यहाँ पर काम नहीं दे रहा, वैसे भी यहाँ पर चढ़ाई है तो नहीं काम भर रहा। वैसे एक बार ट्राई करते हैं भगा के लेके आने की गाड़ी उसी गियर में डिफरेंट साइड से, उम्मीद करता हूँ चढ़ जाएगी। तो चलें देखते हैं क्या डिसीजन निकलता है। गियर के लिहाज से कुछ यही इन्फॉर्मेशन है, इनमें गेम में कुछ जो है ना वर्जेशन होते हैं 2015-16 इस तरह गेम जो है ना वर्जेशन है। मेरे पास जो अभी ये जो मैं खेल रहा हूँ 2016 का है, तो आपके पास कौन सा आपको पता होगा उस हिसाब से जो है ना, लेकिन खेलने का तरीका का तजर्बा सेम ही है जो भी पोजिशन में है, बस थोड़ी बहुत होगी अगर उनमें कुछ होगी, जैसे कि मैप में चार गाड़ियाँ होती हैं उनमें दो होगी चार होगी तीन होगी, इसमें कुछ चेंजिंग होगी तो गाड़ी नहीं चढ़ पा रही। इसमें बहुत मसला आ रहा है, वजन का बहुत इशू आ रहा है, वजन पूरा का पूरा बैक साइड भी आ रहा है, इन टायर के ऊपर इतना वज़न नहीं आ रहा ठीक से। खैर इसको छोड़ें, आज के लिए इतना ही था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ फन करने के लिए वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने जो है ना हमारा मेरा चैनल अभी तक जो है ना सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मुझे वीडियो आपको जो है ना जल्द से जल्द जो है ना आपको देखने को मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ना लगी हो तो अनलाइक कर सकते, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। नहीं लगी तो नहीं लगी, इसमें कौन सा मसला है, ये बस गेम है बस। तो अगर आप इसको पसंद करते हैं तो आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे, अगर आप नहीं करते तो सोचे ऐसी कोई बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस नेक्स्ट वीडियो आज रात को मैं अपलोड कर दूँगा, तो आपको इंशाल्लाह सुबह तक मिल जाएगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।